안녕하세요. 전 그레이스예요. 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 네. 제목은? 네, 제목은 약속의 땅이라는 이야기예요. 네. 약속의 땅이라는 이야기고요. 오늘은 제가, 어제 연수에 자전거가 왔어요. 연수가 누군지 알죠? 연수가 장난감 친구들 걸 봐봐요. 그럼 연수가 누군지 알 거예요. 헐, 방금 전에 개구리 하나 깨뜨렸어요. 개구리 하나 깨뜨렸어요. Big Unidentified다. 네. 새로운 약속의 땅이란 이야기예요. योहन्ना यीशु का एक शिष्य था। एक दिन यीशु सूर्य के समान चमकता हुआ एक दर्शन में उसके पास आया। मत डर, यीशु ने कहा, मैं मर गया था, अब मैं सदा के लिए जीवित हूं।네. 요한이었나? 요한이었나? 존이 요한이었죠? 네. 요한이 기도하고 있을 때 예수님이 나타나 요한에게 약속의 땅을 보여주겠다고 하셨어요. 할아버지가 됐네요, 이제. ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, परमेश्वर की वायदा की हुई नई सृष्टि। पहला आकाश और पहली पृथ्वी और समंदर भी उनके साथ जाता रहा। 약속의 땅은 마치 엄청 아름다웠어요. 3번이요. इसके बाद यूहन्ना ने परमेश्वर के पवित्र शहर नए यरूशलेम को देखा। ये स्वर्ग से नीचे आ रहा था। ये सुंदर था जैसा कि एक दुल्हन विवाह के दिन उसके पति से मिलने के लिए तैयार होती है। 천국을 보았는데 마치 천국이 결혼식장 같았대요. 결혼식장 같고 거기 안에서 남편이 부인을 기다리고 있는 것 같이 아주 아름다운 반짝거리는 천국이에요. परमेश्वर के सिंहासन से ये कहते एक ऊंची आवाज को सुना, अब से परमेश्वर उसके लोगों के बीच निवास करेगा और वो सब एक साथ रहेंगे। 네. 하나님이 말씀하셨어요. 목말릴 때는 모두 나에게 오라고 하셨어요. 이 새로운 아카시와 땅에
यहाँ पर कोई आंसू नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दर्द में नहीं होगा और कोई भी मरेगा नहीं। वो बातें सदा के लिए चली गई हैं। इ 약속의 나라 천국에서는 절대 아프거나 나쁜 생각을 하거나 슬프지 않을 거라고 말했어요. सिंहासन से इस नए आकाश और पृथ्वी पर यहाँ पर कोई आंसू नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दर्द में नहीं। तब सिंहासन से ये कहती हुई आवाज आई, मैं आरंभ और अंत हूँ। अगर आप प्यासे हैं तो मेरे पास आए और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। बोलता 하나님 나라에서는 다 물을 마시고 있었어요. 자, 나의 아가시 और 나의 पृथ्वी पर मृत्यु और कष्ट होगा? हां या नहीं? 예, 틀렸네요. Mera naya sansar mere bachcho ke liye hai. वो जो मेरे साथ वफादार हैं, मैं सब बातें नई कर रहा हूँ। ये सत्य है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। चौनन 천국에 가보고 싶어요. 요한을 천국에 데려가서 보여준 것처럼 예수님이. 왜냐하면 천국은 아주 멋질 것 같아요. 너희 성경책에 나오는 대로. नया संसार उनके लिए होगा जो यीशु में विश्वास करते हैं और उनके साथ वफादार हैं, सही या गलत? 맞았네요. 근데 오늘 괜찮다고 한 이야기를 더 읽어드릴게요. 왜냐면 오늘 이게 마지막이라서 네 다음 포인트 어떤 몰랐지 모르겠어요. 하여튼 읽어드릴게요. 업데이트. 제가 왜 아까 전에 이상한 표정을 했냐면요. 개구리알이 터졌어요. 너무 세게 만지다가. 이렇게 터트려보고 싶지 않나요? 뭔가 느낌이? 이게 터진 걸 이렇게 만지면 뭔가 으으. 이상한 게 무슨 느낌이죠? 슉슉슉. 물에다 넣으면 어떻게 될까요? 물에다가 한번 넣어봤어요. 버리기엔 좀 아까움. 여기 반 있다요? 반은 살아남았어요. 제일 큰 거를 터뜨렸어요, 제가 모르고. 오늘은 모든 परमेश्वर का सुसमाचार 성경 이야기라는 이야기예요. 모든 성경이 आरंभ में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसने इसे सिद्ध बनाया, उसने हमें भी उसके स्वरूप में बनाया। वो हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ संगति करना चाहता है। 하나님은 아담과 하와를 만드셨어요. 동물들도 만드셨어요. 이거는 이때까지 있던 모든 이야기를 간추려서 말한 거라고 생각하면 돼요.
색깔도 있고. 하느님은 이걸 보고 기뻐하셨어요. 두크세 아담 और हव्वाने परमेश्वर की उल्लंघना की. पाप संसार में मृत्यु को लेकर आया और परमेश्वर के साथ हमारी संगति को तोड़ दिया. इसने परमेश्वर के सिद्ध संसार को भी तोड़ा. हाजिमान आदमी हवा가 선악과를 먹고 말았어요. 그래서 옆에 있는 아담에게도 주었어요. 따담. पाप पूरे संसार में फैल गया. प्रत्येक पाप करता है और पाप का परिणाम मृत्यु है. पर पाप परमेश्वर को हमें प्रेम करने से ना रोक सका. उसके पास एक योजना थी. 그다음부터는 사람들이 막 죄를 지었어요. 하나님은 후회가 되었어요. 그래서 물로 세상을 덮겠다고 말하셨어요. 하마리 리에 우스케 프렘케 카란 파르메슈어네 산사르메 우스케 푸트르 예수코 베자. 파프네 하마레 사트 파르메슈어키 상가티코 토르디아. 파르 예수 우세 ठीक करने के लिए आया. 하나님이 하나님의 아들 예수님을 보내주셨어요. 제 지은 것을 다 용서하기 위해서 보내주셨어요. 예수 ने बीमार लोगों को चंगा किया और बहुत से अन्य चमत्कार किए. उसने एकांत लोगों का स्वागत किया. उसने लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया. उसका सिद्ध प्रेम हमें दिखाता है कि प्रेम कैसा दिखता है. 예수님은 이 땅에 와서 여러 사람들을 고쳐 주었어요. 하나님의 말씀을 전했어요. क्या परमेश्वर कभी हमसे प्रेम करना बंद करता है? हाँ या नहीं? 네. 요즘에 문제를 계속 틀려요. 예수님이 예수는 कभी पाप नहीं किया. वो हमारे पापों के लिए एक सलीब पर मर गया. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है. ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को ठीक करने के लिए उसकी योजना को पूरा कर रहा था. 예수님은 우리를 위해 돌아가셨어요. 이제 다이아몬드를 받았어요. दिनों के बाद यीशु पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ता हुआ मुर्दों में से जीवित हो गया. उसने उसके शिष्यों के साथ उन्हें सिखाते समय बिताया. तब वो वापस स्वर्ग लौट गया. अब यीशु सदा के लिए जीवित है. 하고 3일 만에 다시 돌아오셨어요. 베드로가 지금 귀신이냐고 지금 의심하고 있는 거죠. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए सलीब पर मरने को भेजा. सही या गलत? 진짜 엄청 길다.
맞았네, 이번에는. यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने उसके पवित्र आत्मा को प्रत्येक जो उस पर भरोसा करता है उनके अंदर रहने के लिए भेजा है। आत्मा हमें जिस ढंग से रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है वैसा रहने के लिए हमें शक्ति देता है। 네, 하고 하느님은 선물을 주셨어요. 성령의 불이에요. 저도 있다요. 슈, 슈. एक दिन जब यीशु वापस आता है, परमेश्वर सब कुछ पुनः सिद्ध बना देगा। वो एक नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। हर कोई जो यीशु पर भरोसा करता है वो सदा के लिए उसके साथ रहेगा। 하고 하나님은 천국을 만드셨어요. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने आपको सबसे अलग बनाया है। यीशु पर भरोसा करना, उसका अनुसरण करना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ता है। क्या तुम परमेश्वर की कहानी का एक हिस्सा बनना चाहोगे? 네, 예수님은 우리를 위해 십자가에 돌아가셨어요. 하고 예수님은 우리 같은 아이들을 좋아하세요. 힘들 때 기도를 해보세요. 예수님이랑 하나님께. 우와. 맞나 뭐지? 네, 이건 넘어갈게요. 팁틀할게요 이거는. 이거는 모든 성경 이야기를 담은 성경이라는 제목이에요. 첫 번째 아담과 하와를 만드셨죠. 이거 아니고 이거 아니고 이것도 아니고 이것도 아니고 이것도 아니고 얻어 있다. 네, 아담과 하와가 약속을 어기고 그다음부터 사람들이 나쁜 짓을 많이 했고요. 그 다음에 우리를 위해서 예수님 아들을, 하늘의 아들을 보내주셨죠? 그 다음에 많은 일들을 해주셨죠? 그 다음에 우리를 위해 십자가에 돌아가시고, 3일 만에 우리를 위해 다시 부활하시고, 우리에게 성령의 불을 주시고, 천국을 만드시고, 우리가 살아있다. परमेश्वर का सुसमाचार। 네, 오늘은 제가 두 이야기를 읽어드렸는데요. 하나는 약속된 천국이라는 이야기고요. 하나는 모든 성경 이야기를 모든 성경 이야기가 담긴 성경이라는 이야기예요. 네, 오늘 재밌었나요? 그럼 또 다음번엔 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그럼 안녕!